ऐसे सांसदों को तो बिल्कुल लात मारकर पार्लियामेंट से बाहर कर देना चाहिए। मैं 25 गार्ड लेके जाऊंगी, अगर इन्होंने मेरी फिल्म में खलल डालने की कोशिश करी तो मेरे गार्ड जो है इनको मार मार के भगवा संतरा बना देंगे। अंदर तो वहाँ डिशुम डिशुम में शाहरुख खान की देखूंगी, और बाहर तुमने जरा हरामीपन दिखाया तो मेरे गार्ड तुम्हें ना मार मार के भगवा संतरा बना देंगे। पहला शो फिल्म को देखने जा रही 25 गार्ड के साथ, 25 गार्ड के साथ। डर लग रहा है? नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर हॉल पे आग कैसे लगाएंगे। मैं भी देखूंगी ना, मैं पत्नी केसरिया रंग हुआ हिंदू, हरा हुआ मुसलमान, सफेद बहुत खुश है, कफन दोनों का एक समान। आप कहते हैं कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, ऐसे सांसदों को तो बिल्कुल लात मारकर पार्लियामेंट से बाहर कर देना चाहिए। आपको लगता है साध्वी प्रज्ञा जी के भारत में जंगल राज चलता है आपकी बकौल, तो फिर आप इस्तीफा देकर बैठिए, आप जंगल राज घोषित कर दिए, या तो आप ये कहिए कि सरकार जो है वो नाकाम हो चुकी है भारत में इंसानियत के लिए, संविधान को बचाने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप चाकू छुरे तेज कराने की बात कर रही हैं, तो यानी ये सरकार हर मुहाज़ पर नाकाम हो गई और आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। आप वो देखिए टिप टिप बरसा पानी, वो कैनेडियन पुत्र जो इनका यार है इनका, वो टिप टिप बरसा में कैसे चुम चाटिया करता हुआ नजर आ रहा है। आप ये साउथ की मूवियाँ उठाइए या आप भोजपुरी फिल्में उठाइए, ये बिना भगवा के पूरी ही नहीं होती। आप भूल भुलैया तेरी आंखें भूल भुलैया, उसमें जरा जरा से कपड़े पहने जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है और तमाम का तमाम वर्गलटी दिखा रहे हैं। अब एक बात बताइए, दीपिका पादुकोण ने इस गाने में 25 ड्रेसें पहनी है, 25 ड्रेसों में से हाय इन बेशरमों ने निकाल लिया कि हमारा वाला रंग जो है बेशरम रंग, इसको ही कहा है। सैवलॉन साबुन है, डिटॉल साबुन है, संतूर साबुन है, आप लोग क्या करते हैं साबुन से? साबुन से आप अपना अपना फ्रंट साइड बैक साइड धोते नहीं धोते, बाथरूम में जाके या उसकी पूजा करते हैं, वो भी तो भगवा कलर है। क्या इन भाट भाइयों ने वहाँ पर आवाज उठाई गंदगी को साफ करती, यानी भगवा कलर से गंदगी को साफ करें? क्या इन कंपनियों के पास कोई ऑप्शन नहीं था? हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, भाजपा की सांसद हैं भोपाल से, उनका स्टेटमेंट आया है और वो चाकुओं पर धार तेज करने की बात कह रही हैं, कैसे देखती हैं इस बयान को? देखिए, अगर आपको पता हो कि साध्वी प्रज्ञा जो है भोपाल से बीजेपी की एक बड़ी सांसद हैं, अगर आपको मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट याद हो तो 3 बाइक जो डिटेक्ट हुई थी पकड़ी गई थी वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पे थी, यानी तो खुल्लम खुल्ला आतंकवादी, सर्टिफाई आतंकवादी। और एक सांसद जो मतलब भारत की सरकार में अहम रोल अदा कर रहा है, अगर वो ये इतनी घटिया और आतंकवादी सोच की बात करे कि चाकुओं पर धार लगा लो, तो इससे तो साफ पता चलता है कि ये खुद एडमिट करे कि हाँ मैं आतंकवाद से निकली हूँ, हाँ मैं आतंकवाद की जननी हूँ, हाँ मैं भारत का माहौल ख़राब करना चाहती हूँ। ये चाहती क्या है कि भारत का माहौल ख़राब हो? आपको क्या पता इनके कितने फॉलोअर होंगे, कितने गरीब बेचारे ऐसे लोग होंगे जो इनके फॉलोअर होंगे। जब ये कहेंगे चाकू तेज़ कर लो तो चाकू तेज़ कर लो, चाकू तेज़ करने का मतलब क्या है? इनका मतलब है कि चाकू तेज़ करके मुल्लों की गर्दन उड़ानी शुरू कर दो, यानी मुसलमानों के लिए तो तेज़ करवा रही चाकू। अगर ये चाकू तेज़ कराने की बात कर रही तो इनको ये वाली बात भी एक्सप्लेन करनी चाहिए थी कि आप चाकू किसके लिए तेज़ करा रही हैं। और दूसरी बात, जब आपको लगता है साध्वी प्रज्ञा जी के भारत में जंगल राज चलता है आपके ही बकौल, तो फिर आप इस्तीफा देकर बैठिए, आप जंगल राज घोषित कर दिए, या तो आप ये कहिए कि सरकार जो है वो नाकाम हो चुकी है भारत में इंसानियत के लिए, संविधान को बचाने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप चाकू छुरे तेज कराने की बात कर रही हैं, तो यानी ये सरकार हर मुहाज़ पर नाकाम हो गई और आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं और आतंकवादी सोच को जबरन लोगों के दिमागों में भर रही हैं। पर प्रधानमंत्री मोदी पहले भी जब इस तरह का बयान उन्होंने दिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मन से माफ़ नहीं करूंगा, फिर ऐसा बयान आ जाता है, लगता है कि भाजपा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रही है? नहीं देखिए, हमारे जो मोदी जी हैं उनकी एक बात तो मुझे बड़ी अजीब लगती है कि वो हर काम मन से करते हैं। अरे मोदी जी, पूरा भारत जो है मन से नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। आप मन से माफ करें ना करें, लेकिन उसने तो ये हरकत कर दी। दूसरा बंदा अगर ऐसा कुछ करता है तो आप UAPA लगा देते हैं, उसके घर पे बुलडोजर चला देते हैं, दलित मुझे लगता है तो उसको मरवा देते हैं। लेकिन आपकी सांसद इतना गलत बयान देती है, इतना घटिया बयान देती है, वो मारने काटने पीटने की बात करती है, एक कसैनी बन जाती है, तो आप कहते हैं कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा? ऐसे सांसदों को तो बिल्कुल लात मारकर पार्लियामेंट से बाहर कर देना चाहिए। पर क्यों ऐसा नहीं होता है जब इतने, क्योंकि पहली बार ऐसा मामला नहीं है, एक के बाद एक उनके इस तरह के बयान आ रहे हैं, पूरा यहाँ विपक्ष भी खामोश है, TV वाले सारे खामोश हैं। अगर यही कोई विपक्ष का कोई नेता या मुस्लिम कोई लेडी अगर इस तरह का बयान देती तो फिर लगातार इस पर जो है डिबेट शुरू हो जाती। ना ना ना, आपने कहा कि विपक्ष में कोई बयान देता है या कोई नॉर्मल भारतीय बयान देता, अरे कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है, कोई इतना जाहिल नहीं है, कोई इतना आतंकवादी सोच वाला नहीं। ये बयान की उम्मीद भी आप भाजपाइयों से ही रख सकते हैं, मार देंगे, काट देंगे, फूंक देंगे, ये कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, ये तमाम की तमाम एक्टिविटी में जो लिप्त है ना बीजेपी सरकार। और जैसे आपको पता है कि बीजेपी में ज़्यादातर जो सांसद हैं वो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस रहे हैं, तमाम की तमाम
वहाँ वहाँ भी देखे कि बीजेपी में अब तक 50% लोग बलात्कारी पाए जाते हैं। तो ये तमाम के तमाम शगुफे जो हैं, ये उल्टी सीधी हरकत जो हैं, इनकी उम्मीद आप विपक्ष से नहीं सिर्फ भाजपाइयों से करी, यही ऐसी ऐसी हरकतें कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। पर ये तो प्रधानमंत्री के भी खिलाफ है ये बयान, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास एक साथ लेने की बात करते हैं, विश्वास जीतने की बात करते हैं, इन बयानों से कैसे विश्वास जीते जाए कि कर्नाटक में जाकर वो कहें कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है हथियार की। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, उनकी बात को गधे की लात का मैं बार बार कहती हूँ, कोई यकीन मत करिए। प्रधानमंत्री ने अभी आपको तो देखिए 15 अगस्त में क्या कहा था, उन्होंने तो कहा था कि महिलाओं की बात करेंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और उसी बात जाकर बिल्किस के कातिलों को, बलात्कारियों को इन्होंने संस्कारी बनाकर रिलीज कर दिया था। तो प्रधानमंत्री तो ऐसी चीज़ों को हवा दे रहे हैं, जब वो खुद ऐसी चीज़ करेंगे तो इनकी पार्टी के अंदर जो ऐसे नेता है वो भी चाकू छुरे तलवारें तेज करवाएंगे। आपने कर्नाटक की बात करी, कर्नाटक की एक मस्जिद में, एक ऐसी मस्जिद जो कदीम मस्जिद थी, वहाँ पर तमाम के तमाम भगवा चिंटू हैं, वहाँ कलाम पाक की तौहीन करते हैं, पेशाब करते हैं, मस्जिद को डैमेज करते हैं, निकल कर आ जाते हैं। तो कहाँ चली जाती हैं सरकारें उस वक्त? तो ये तमाम का तमाम आप दो कम्युनिटी को भारत में टैग कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, एक मुसलमान है एक दलित है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, जिस तरह आपने भारत को इस वक्त बारूद के ढेर पर बिठा दिया। आपका हर फर्जी भगवा जो है, फर्जी इनका स्वामी जो है, फर्जी इनका योगी संत है, वो तमाम के तमाम मार देंगे, काट देंगे, अधर्मी संसद सजा रहे हैं, और मोदी जी आराम से बैठ के मन की बातें कर रहे हैं। अरे कोई प्रधानमंत्री मन की बातें थोड़ी करता है, मोदी जी हमें मन की बातें नहीं चाहिए। मन की बातें आपने जहां करनी थी उस बीवी को आपने छोड़ दिया। मन की बातें इंसान अपनी बीवी से करता, एक शौहर अपनी बीवी से मन की बातें करता, ना से देश की बात देश से करता, देश से वो अकल की बात करता है, संविधान की बात करता है, विकास की बात करता है, जॉब की बात करता है, तो ये करता है। मोदी जी तो मन की बात करके पूरे भारत को बेवकूफ बना देते हैं।